हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो थंबनेल से आपको समझ में आ रहा है, आज हम एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें सीआरपीसी में दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा लग जाए तो वो व्यक्ति क्या करे। देखिए, तो उन चीजों के बारे में ऑलरेडी सीआरपीसी में पावर दी गई है हाईकोर्ट को, और कहा दी गई है सेक्शन 482 में। लॉ के स्टूडेंट है तो सेक्शन तो हम पढ़ेंगे ही। तो आज की क्लास में पहले हम जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में सेक्शन 482 को समझाया गया है हम वो समझेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जैसे थंबनेल ने बताया कि अगर झूठा मुकदमा हो जाए तो क्या करना है, उस चीज के बारे में सारी जो बातें हैं मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताऊंगी इसी वीडियो में। और उसके बाद फिर हम केस लॉज भी पढ़ेंगे जो कि लैंडमार्क्स हैं, काफी सारे केस लॉज, और इतने केस लॉ है ना इस सेक्शन पर कि आपको पढ़ने बैठेंगे ना ताज्जुब होगा। तो कुछ केसेस को मैंने लिया है इस क्लास में और वो केस लॉ सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से इस सेक्शन के बारे में बताया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो उन चीजों के बारे में हम केस लॉ से पढ़ेंगे। तो पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट है तो पहले भाई बेयर एक्ट तो पढ़ना बनता ही है। क्या सेक्शन 482 कहता है, पहले देखें सेक्शन है कहाँ। सेक्शन जो है वो चैप्टर 37 में है जो कि मिसलेनियस नाम का एक चैप्टर है। तो वहां पर सेक्शन बना हुआ है किस नाम से, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाईकोर्ट। यानी हाईकोर्ट के पास कुछ पावर दी गई है। कैसी पावर है, इनहेरेंट। अब देखो मैंने कहा दी गई है, यहां पर देने जैसी एक्चुअल में बात है ही नहीं। जब हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई तो वो जो ये पावर की है अभी हम बात करेंगे, उन पावर को लेकर के ही कॉन्स्टिट्यूट होती है। कोई भी लॉ की अगर हम बात करें तो वहां ये पावर दी नहीं जा रही है, ये पावर ऑलरेडी हाईकोर्ट के पास है। इस सेक्शन में उनकी डिक्लेरेशन मात्र हुई है कि ये पावर है हाईकोर्ट के पास, ये बताने के लिए ये सेक्शन आया है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात इस सेक्शन के बारे में जानिए, वो ये कि ये सेक्शन जब बात करता है इनहेरेंट पावर ऑफ हाईकोर्ट की बात करता है सेक्शन 482, ऐसा ही सेक्शन सीपीसी में भी है सेक्शन 151 जो इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है। तो दोनों सेक्शन में ये डिफरेंस है कि ये सेक्शन में स्पेसिफाई किया कि इन पावर्स के बारे में जो सीआरपीसी में सेक्शन 482 देता है वो सिर्फ हाईकोर्ट को देता है, लेकिन जो इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है यानी सभी कोर्ट्स के बारे में बात करता है वो सीपीसी के सेक्शन 151 में है। ये दोनों ही सेक्शन आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पर पूछा जा सकता है 482 में किसके बारे में बात हुई है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ सेशन कोर्ट, किसके बारे में, तो हाई कोर्ट के बारे में बात हुई है। और सीपीसी के 151 में कोर्ट के बारे में बात हुई है, स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी कोर्ट, सभी कोर्ट के बारे में बात की गई। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात ये कोई पावर बता नहीं रहा है कि कोई पावर दे नहीं रहा हाईकोर्ट को, ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन है कि पावर है हाईकोर्ट के पास। दूसरा, ये सिर्फ किसके पास है, हाईकोर्ट के पास ही है, किसी और कोर्ट की बात यहां नहीं हो रही है। तीसरी बात इसके बारे में जानिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 आर्टिकल 227 दिए गए हैं उनमें भी इनहेरेंट पावर ऑफ हाईकोर्ट के बारे में ही बात की गई है। तो अगर हम बात करें, कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर सेक्शन 482 से काम चल सकता है सीआरपीसी के और आर्टिकल 227 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के काम चल सकता है, तो आर्टिकल 226 की जो पावर्स हैं उनको ना इस्तेमाल किया जाए, ऐसा बोला गया है। इसके अलावा इस सेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बात की तरफ आगे चलें। देखिए, जहां पर इस कोड में सीआरपीसी में कहीं पर किसी पावर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में ऑलरेडी प्रोविजन प्रावधान है तो उन प्रोविजन और प्रावधान के अकॉर्डिंग बातें चलेंगी, पावर्स चलेंगी। लेकिन अगर कहीं पर प्रावधान नहीं है किसी चीज के बारे में तो सेक्शन 482 एप्लीकेबल होगा। यानी जहां पर क्लियरली किसी चीज के बारे में स्टेट्यूट ने बता दिया है, कानून ने बता दिया है, तो वो जो बताया गया है उस अकॉर्डिंग चल जाएगा। लेकिन जहां पर कुछ क्लियर नहीं है तो वहां पर हाईकोर्ट के पावर, ये पास जो पावर दी गई है ऑलरेडी दी नहीं गई है, वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो अभी एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है मैंने आपको इस सेक्शन के बारे में, इसकी जो भूमिका मैंने तैयार की आपके सामने। देखिए, जब भी कोई भी कानून बनता है, क्योंकि हमारा सीआरपीसी 1973 में आ गया, तब से लेके आज तक 2020 तक इतनी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं कि जो उस वक्त कानून की व्याख्या हो सकती थी वो लेजिस्लेचर ने अपने तरीके से बहुत अच्छे से कर दी। लेकिन हो सकता है कानून के जो सामने जो केस आते हैं, जो फिर मुकदमे आते हैं, उनका स्वरूप तब में और अब में चेंज हो गया हो, हुआ ही है।
तो उस स्वरूप चेंज होते हुए स्वरूप के साथ साथ जब भी कोई निर्णय देना होता है कोर्ट को, तो जब कोर्ट निर्णय देंगी तो अगर स्टेच्यूट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो प्रावधान लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कई बार निर्णय देना मुश्किल हो जाता है। तो ये सेक्शन हाईकोर्ट को ये पावर डिक्लेयर करता है कि हाईकोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ही नहीं है बल्कि जुडिशियल पावर भी है। यानी एक कोर्ट में एक जज की तरह बैठना है तो सिर्फ कानून की व्याख्या करने के लिए नहीं बैठना है, न्याय देने के लिए बैठना है। एंड ऑफ जस्टिस, जस्टिस का न्याय का पालन हो, जस्टिस को श्योर किया जाए, इसलिए जो है हाईकोर्ट होती है, इसीलिए कोर्ट होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं सेशन 482 कहता है कि हाईकोर्ट के पास कुछ पावर हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। सेक्शन को पढ़ते हैं, क्या कहता है, नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाईकोर्ट। इस कोर्ट में, किस कोर्ट में, सीआरपीसी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर को लिमिट कर दिया जाए या अफेक्ट कर दिया जाए। अब आप बोलेंगे मैं बार बार इनहेरेंट पावर बात कर रही हूँ, अंतर्निहित शक्तियां, अंतर्निहित शक्तियां, मगर ये शक्तियां हैं क्या? ये शक्तियां हैं इसी सेक्शन में बताया गया तीन तरीके की। सबसे पहला, टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोर्ट। इस कोर्ट के अंदर कोई ऑर्डर बनाया किसी भी कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, या कोई भी ऑर्डर बनता है, उस कोर्ट को अगर लागू नहीं किया गया, इफेक्ट में नहीं लाया गया, तो उसको इफेक्ट में लाने के लिए हाई कोर्ट जो है एक ऑर्डर दे सकते हैं। तो पहली पावर तो ये हो गई। दूसरी पावर, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा ही वाइटल है और इसका जो स्फीयर है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है। कैसे? कह रहा है कि कोई भी कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं अगर उनका अब्यूसिव यूज हो रहा है, या मैं अगर आपको बात करूं मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी जो कुछ करना चाहिए वो कर सकती है हाई कोर्ट। अब जब दुरुपयोग को रोकने की बात हो रही है, सोचो उसमें कितनी चीजें आ जाएंगी। जैसे मैं अभी जो टाइटल थंबनेल था कि क्या अगर झूठा मुकदमा हो जाए तो उस केस में, उस केस में भी एप्लीकेशन जा सकती है, एप्लीकेशन नहीं पेटिशन जा सकती है, कहां पर, हाई कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट जो है उस पेटिशन पे चीजों को नापने के बाद, तोलने के बाद निर्णय सुना सकते हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा लगा हुआ है उसको बरी किया जा सकता है। बिल्कुल इस सेक्शन में, इस वाली बात में इतना वाइड चीजों को बताया गया है कि किसी भी कोर्ट में अगर कुछ भी ऐसा काम चल रहा है जिससे इंडियन सिटीजन, जो इंडिया के रहने वाले भारतीय हैं, उनको किसी भी तरीके का हरासमेंट हो रहा है। कैसे हरासमेंट होगा? अगर कोई बेगुनाह होगा, ठीक है ना, तभी उसका हरासमेंट होगा, जबरदस्ती किसी को केस में फंसाया जाएगा, तो उसको रोकने के लिए ये सेक्शन हाईकोर्ट की पावर को डिक्लेयर करता है। लास्ट में, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। सबसे लास्ट में भले ही लिखा हुआ है लास्ट बट नोट द लिस्ट, रदर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। क्या कहता है? टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जो जो इस्तेमाल कर सकती है, जो जो काम हाईकोर्ट कर सकती है, वो सारी हाईकोर्ट की इनहेरेंट अंतर्निहित शक्तियां हैं। समझ में आ गया? तो तीन तरह की पावर, कोई भी ऑर्डर को लागू करने के लिए कोर्ट दे सकती है, किसी भी कोर्ट में कुछ भी दुरुपयोग हो रहा है लोगों का, कानून का, उसको प्रिवेंट कर सकती है, और अल्टीमेटली जस्टिस हो, न्याय हो, इसको श्योर करने के लिए जो करना हो वो हाईकोर्ट कर सकती है। ये सेक्शन इतनी पावर को डिक्लेयर करता है, देता नहीं है, डिक्लेयर करता है। ये तो पावर है, इनहेरेंट का मतलब ही यही है कि ऑलरेडी पावर्स है हाईकोर्ट के पास में, डिक्लेयर नहीं करनी है हमने, इसको देना नहीं है हाईकोर्ट को। तो ये तो हो गया बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। अब मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली कहां कहां इसका यूज होता है। देखिए, हमने क्या कहा, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द कोर्ट। दोनों ही बातों को करने के लिए क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, अगर किसी के ऊपर एफआईआर लगाई गई है अंडर सेक्शन 154, सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, रिपोर्ट की बात करते हैं, एफआईआर शब्द तो नहीं है लेकिन उसको एफआईआर बोला जाता है, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 154 क्या कहता है कि जो एफआईआर सेक्शन 154 में किसी व्यक्ति के ऊपर लगी और वो झूठी होती है तो उसको निरस्त करने के लिए, क्वैश करने के लिए भी ऑर्डर दे सकती है हाईकोर्ट। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद में रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को भी क्वैश कर सकता है हाईकोर्ट अगर वो पाता है कि वो जो है गलत है या एक व्यक्ति को जबरदस्ती केस में फंसाया जा रहा है।
फिर इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अगर दो व्यक्तियों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, समझौता हो जाता है, समझौता होने के बाद भी केस चलता रहता है, तो उस केस को रोकने के लिए सिंपल सी बात है ना, दो व्यक्तियों ने आपस में समझौता कर लिया कि ठीक है हम केस का निपटारा कर देते हैं, और समझौता होने के बाद भी जबरदस्ती केस चलाया जा रहा है, यानी एक तरफ तो आपने समझौता कर लिया, दूसरी तरफ अभी तक केस को आपने जो वापस नहीं लिया, तो ये कह रहे हैं कि उस चीज को करने के लिए भी सेक्शन 1582 में व्यक्ति जा सकता है। फिर इन केस ऑफ चार्जशीट, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाती है उसके बाद भी जो है 482 में उसके खिलाफ जो चार्जशीट है तभी भी ऑर्डर लाया जा सकता है कि जो व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। पहला एस्पेक्ट इसमें ये है। दूसरा एस्पेक्ट कि चार्जशीट जब उस किसी व्यक्ति के ऊपर लग गई, चार्जशीट लगने के बाद जो है उसमें आरोप अभी तक तय नहीं हुए, चार्जशीट लगने के बाद भी आरोप तय नहीं हुए और आरोप तय नहीं होने के बावजूद भी जो है ट्रायल चल रहा है, तो उस ट्रायल को रोकने के लिए भी सेक्शन 482 का सहारा ले सकते हैं। अब मैं बार बार कह रही हूँ सेक्शन 482 का सहारा ले सकते हैं, 482 में जा सकते हैं, तो जाएंगे कैसे? फंसाया जा रहा है तो जिस व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, हरासमेंट हो रहा है, वो व्यक्ति पेटिशन डालता है हाईकोर्ट के पास में अंडर सेक्शन 482, जिसका की फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में फिल करके अपनी जो है अर्जी याचिका डालता है, पेटिशन डालता है, और फिर उसके बाद में हाईकोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाती है कि वास्तव में व्यक्ति को फंसाया जा रहा है तो वो ऑर्डर देते हैं क्वैश करने का, और जो भी केस होता है उसके अकॉर्डिंग टू सिक्योर द एम्स ऑफ जस्टिस, न्याय को सिक्योर करने के लिए। तो ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया। अब हम केस लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहला जो केस लॉ हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें केस लॉ में वो लैंडमार्क केस है, और उस केस में बताया गया है कि क्या क्या गाइडलाइंस है या कब कब जो है बेसिकली सेक्शन 482 का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद में बाकी के केस लॉ हम पढ़ेंगे। पहले लैंडमार्क केस जिसमें गाइडलाइंस है कहां कहां सेक्शन 482 एप्लीकेबल होता है। जो लैंडमार्क केस है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 का। इस केस में 7 जगह बताई गई, 7 केसेस बताए गए जहां पर जो सेक्शन 482 है वो एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले नो प्राइमा फेसी केस, जहां पर कोई भी केस नहीं दिखाई देता है कि एक्चुअल में वाजिब रीजन नहीं दिखाई देते। प्राइमा फेसी क्या होता है कि जहां पर देखने से ही पता नहीं चलता कि कोई केस है, कोई मुद्दा है, ऐसा नहीं पता चल रहा है, तो वहां पर ऑर्डर दे सकती है हाईकोर्ट। फिर नो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां डिस्क्लोज नहीं होता है। एलिगेशन FIR एंड एविडेंस फेल्स टू डिस्क्लोज एनी ऑफेंस, तो जो एलिगेशन लगे हैं FIR में या फिर एविडेंस में उससे नहीं समझ में आ रहा है कि व्यक्ति के ऊपर वास्तव में किसी क्राइम को बनते हैं चार्जेस, तो वहां पर ऑर्डर दिए जा सकते हैं हाईकोर्ट के द्वारा। जहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिटेड विच कैन बी इन्वेस्टिगेटेड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो व्यक्ति के ऊपर लगे हैं चार्जेस वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ही जो है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो वहां पर भी FIR लगी है तो उसको जो है ऑर्डर दिया जा सकता है क्वैश करने के लिए। एलिगेशन मेड आर ऑब्जर्व और इम्प्रोबेबल, अगर कोई ऐसे एलिगेशन लगे हैं जो कि ऑब्जर्व है, फिजूल है, बेकार है, कुछ बेकार मुद्दा ही नहीं है, जिसका साफ समझ में आ रहा है किसी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, इम्प्रोबेबल है, जहां पर पता ही नहीं है कि एक्चुअल में व्यक्ति क्यों जो है इसके ऊपर चार्ज लगा रहा है, तो वहां पर ऑर्डर दिया जा सकता है क्वैश करने का। एक्सप्रेस लीगल बार टू कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर प्रोसीडिंग जारी रहेंगी तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन है, जहां पर बार है, जहां पर लिमिटेशन है कि ऐसे प्रोविजन नहीं चल सकते, ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, तो वो जो है क्वैश किया जाएगा। फिर लास्ट है विद इल इंटेंशन, अगर किसी के ऊपर बुरे इरादे से कोई केस दायर किया जाता है जबरदस्ती फंसाने के लिए, और ये हाईकोर्ट को समझ में आ जाता है, निर्णय लेने की शक्ति से कोई अपने निर्णय ले लेते हैं कि किसी को फंसाने के लिए मॉडिफाइड इंटेंशन के साथ में, बुरे इंटेंशन के साथ में किसी को जो है केस किया जा रहा है किसी के ऊपर, तो उस केस में सेक्शन 482 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बुरे केस में फंसाने के लिए केस किया गया, लेकिन जो व्यक्ति 482 का सहारा ले रहा है, सुनिएगा, जो व्यक्ति अगर 482 का सहारा ले रहा है, मीन्स अगर 482 के हेल्प से वो चाहता है कि जो उसके ऊपर मुकदमा आया है वो कैंसिल हो जाए, तो वो या फिर उस मुकदमा आया है वो कैंसिल हो जाए, तो उसको व्यक्ति को खुद भी क्लीन हैंड आना जरूरी है। क्लीन हैंड का मतलब होना चाहिए कि जहां पर व्यक्ति इसका सहारा लेने जा रहा है, हाईकोर्ट के पास पिटीशन डाल रहा है कि मुझे बचा लीजिए, तो व्यक्ति वास्तव में बेगुनाह होना चाहिए, मतलब उसके खुद के हाथ साफ होने चाहिए, क्लीन हैंड का मतलब खुद के हाथ गंदे नहीं होने
चाहिए, मीन्स कि वो खुद ही क्राइम नहीं करके आया हुआ हो और खुद आके सहारा ले रहा हो कि मुझे बचा लीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। या दूसरे को फंसाने के लिए आप कह रहे हैं कि ये वाला ऑर्डर दीजिए, हाईकोर्ट से पेटिशन डाल रहे हैं कि हाई जो है ऑर्डर दीजिए इसके खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, तो वो भी गलत है। आप दूसरे को फंसाने के लिए कर रहे हैं, आपके खुद के जो हाथ है वो साफ होने चाहिए विद क्लीन एंड अप्रोच टू हाईकोर्ट एंड फाइल द पेटिशन। ये कह रहा है ये गाइडलाइन जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल में दी गई, और ये 7 कैटेगरीज अगर आपको याद हो जाती हैं तो सेक्शन 482 की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ जाएगी। अब बाकी के केस नोट भी समझते हैं और फिर उससे और क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे पास जो सेक्शन 482 है वो कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी लिमिटेशन क्या है। तो केस लॉज में स्टेट ऑफ हरियाणा वाला केस हमने अभी पढ़ा, उसके बाद स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस मुनी स्वामी 1977 का केस। इस केस में ये कहा गया, जैसे कि बेरेट में बताया गया है कि 3 पर्पस हैं क्या करने के लिए सेक्शन 482 में जो इनहेरेंट पावर को डिक्लेयर किया गया उसके। पहला पर्पस कोई ऑर्डर देने का है, किसी ऑर्डर को इफेक्ट में लाने के लिए। अब्यूज जो प्रोसेस हो रहा है किसी भी कोर्ट का, उस प्रोसेस को रोकने के लिए ऑर्डर देने के लिए है। और बेसिकली टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय को सुरक्षित करने के लिए, न्याय को अश्योर करने के लिए जो भी ऑर्डर देना होगा हाईकोर्ट दे सकते हैं। ये इस केस में बताया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और, जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, क्योंकि सेक्शन 482 डिस्क्रिशनरी पावर सेवेक पे डिपेंड करता है हाईकोर्ट के, वो किसी पेटिशन को एंटरटेन करते हैं नहीं, कोई ऑर्डर देते हैं नहीं, उनके अपने विवेक पे डिपेंड करता है। तो अगर वही व्यक्ति, जैसे मैं अभी बार बार साफ हाथ की बात करूं ना, वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति लगता है हाईकोर्ट को कि क्लीयरेंस नहीं आया है, अच्छे इंटेंशन से नहीं आया, बुरे इंटेंशन से आया है, तो वो मना भी कर सकते हैं उस पेटिशन को एंटरटेन करने के लिए, उस पेटिशन पे काम करने के लिए। फिर नेक्स्ट केस है मधुलिमे वर्सेस महाराष्ट्र का केस। इस केस में ये कहा गया कि जो सेक्शन 397 है, जो वहां पर रिवीजन की बात हुई है, जो हाईकोर्ट के पास रिवीजन की पावर है, कह रहे हैं कि जो रिवीजन की जो पावर है वो भी इस सेक्शन 482 के पावर्स को लिमिट नहीं कर सकता। मींस अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर दिया गया है, वो उससे पता चलता है, उस ऑर्डर से जो 397 में दिया गया उससे पता चल रहा है ऑर्डर से कि वो जबरदस्ती प्रोसेस को, जो कोर्ट की प्रोसेस है उसको मिसयूज करने के लिए दिया गया है, तो उस केस में 482 की पावर जो होंगी वो ओवरराइड करेंगे 397 को। ठीक है, फिर हमीदा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2004 का केस। इस केस को सुनिए, एक लेडी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को परेशान करने के लिए जबरदस्ती उनपे कुछ केस डाल दिए, क्योंकि गलत केस डाले थे, तो जो हस्बैंड था वो बरी हो गए, पता चला कि झूठे केस डले हुए हैं। फिर इस चीज से आहत होके जो हस्बैंड थे उन्होंने डिवोर्स की पेटिशन अपनी वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर दी। अब जो वाइफ थी हमीदा खातून, वो गई सेक्शन 482 की पेटिशन लेके हाईकोर्ट के पास कि जो आई है मेरे खिलाफ एप्लीकेशन उसको निरस्त किया जाए। तो और क्या, किसका सहारा लेके चली गई वो, जो केस उन्होंने फाइल किए थे, झूठे केस फाइल किए थे। तो हाईकोर्ट ने कहा क्योंकि व्यक्ति खुद ही जो है याचिकाकर्ता जो है पेटिशनर जो है वो खुद सही हाथों क्लीन हैंड से नहीं आया, बुरे इंटेंशन से आया है, तो सेक्शन 482 के अंतर्गत उसको हेल्प नहीं की जाएगी। फिर कृष्णकांत शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2016 का केस। इस केस में क्या हुआ, एक महिला ने अपने हस्बैंड के खिलाफ, पार्शियल नहीं हो रही हूं ये केस है इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है, अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है कुछ झूठे केस किए, या केस सच्चे थे या झूठे, उन्होंने केस फाइल किए, उसके बाद में उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज होने के बाद भी केस चलते चले जा रहे हैं, तो हाईकोर्ट के पास पिटीशन गई, तो हाईकोर्ट ने बोला कि इसको जो है खत्म किया जाए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया तो केस चलने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कि अगर ऑलरेडी कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया है दो पार्टीज के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डर दिया जा सकता है प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए, कि फिर भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो। फिर डॉक्टर जयश्री उज्जवल इंजोली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 का केस। इस केस को समझिए, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर के गए, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, वहां डॉक्टर थी, सर्जन थी, उन्होंने फर्स्ट एड दिया और उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन ले दिया, रख दिया कि फिजिशियन आएंगे, फिजिशियन को बुलाया जाए, लिख दिया और खुद वो वहां से चली गई। अब फिजिशियन के आने से पहले जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो जो लोग थे, मतलब याचिकाकर्ता, उन्होंने पेटिशन डाली, उसके खिलाफ जो था केस फाइल कर दिया 304A का, आईपीसी की धारा 304A में डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल कर दिया।
डॉक्टर ने हाई कोर्ट में सेक्शन 482 की पेटिशन डाली, याचिका डाली, और वहां पे ये ऑर्डर आया कि जो डॉक्टर थी उन्होंने कोई मारने के इरादे से उसको वहां से छोड़ के नहीं गई थी, वो तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के गई थी कि फिजिशियन आ जाएगा, वो सिर्फ वहां तक आने तक रुके नहीं, लेकिन इसमें उससे ये पता नहीं चलता है कि 304A का मुकदमा उनके ऊपर दायर कर दिया जाए, तो इस चीज को उससे डॉक्टर जो थे इस मुकदमे से बरी हो गई। फिर नारायण मल्हारी थोरट वर्सेस विनायक देवराव भगत 2018 का केस, इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इस केस में हेल्ड हुआ था कि अगर जैसे इसी केस की बात बताऊं तो जो एक्यूज था उसने सेक्शन 482 में एप्लीकेशन डाली, तो ये कहा गया कि सेक्शन 482 की हेल्प जो है नहीं ली जा सकती अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले जो हाईकोर्ट होंगी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, तो कहा था सेक्शन 482 में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले अगर ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो आरोपी था कि उस था उसने मेंस रिया या इंटेंशन जो होगी नीडेड था उसका एक्ट को करने के लिए यूज किया था या नहीं किया था, उसको पता लगाने के लिए हाईकोर्ट 482 का इस्तेमाल नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि इस चीज के बारे में अगर हम बात करें जो एविडेंस लेने हैं देने हैं जो भी बात होगी वो डिटेल्ड या नहीं होता है, तो मेंस रिया यूज हुआ था, इंटेंशन इल था या नहीं था, मोटिव क्या था, वो डिसाइड करने का काम सेक्शन 482 में नहीं है इन्वेस्टिगेशन पूरा होने से पहले। फिर स्टेट ऑफ बिहार इन अनदर वर्सेस केजीडी सिंह और आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इनमें लिमिटेशंस की बात हुई है। तो स्टेट ऑफ बिहार इन अनदर वर्सेस केजीडी सिंह क्या कहता है, ये केस ये कहता है कि एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है, एक ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल को कट शॉर्ट करने के लिए सेक्शन 482 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ट्रायल चल रहा है उसमें अब्यूज हो रहा है प्रोसीडिंग्स में तो हाईकोर्ट जो है करेंगे उसमें ऑर्डर लाएंगे, लेकिन उसको कट शॉर्ट करने के लिए आर्बिट्री नहीं है सेक्शन, ये कि अपनी मनमानी नहीं चलेगी, कि डिस्क्रिशनरी है सर्वेक इस्तेमाल करना है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, आर्बिटर पावर नहीं है, उन्हें क्या करना है अगर प्रोसेस स्मूथली चल रहा है ठीक चल रहा है ठीक तरीके से चल रहा है तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, इस केस में ये कहा गया। आरपी कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया, क्या कहा गया पंजाब के केस में, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी प्रोविजन नहीं कहीं पर स्टेट्यूट में है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और अगर स्टेट्यूट में प्रोविजंस दिए हुए हैं प्रावधान है तो फिर उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल होगा। तो इस केस में यही कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कहीं पर किसी भी पावर के बारे में कोई प्रोविजन दिए गए हैं तो उन्हीं प्रोविजन को एप्लीकेबल किया जाएगा, ना कि सेक्शन 482 को। जहां पे प्रावधान नहीं है प्रोविजन नहीं है वहां पर सेक्शन 482 दिया जाएगा, अदरवाइज क्या चलेगा, जो पावर जो प्रोविजन दिए गए हैं वो चलेंगे। तो ये सेक्शन 482 हमने आज कवर किया। देखने में सेक्शन 482 बहुत छोटा लगता है और कुछ ही बातों को कहता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो है व्याख्या एक्सप्लेनेशन अलग अलग केस लॉज में अलग अलग तरीके से की गई, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा बन जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग।